दोबारा से आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज का जो थोड़ा सा सिनेरियो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, ट्रैवलिंग गियर से रिलेटेड है। तो मेरे पास आज दो जैकेट्स है, एक मैंने रिसेंटली परचेस किया है और एक मैंने जो है पहले परचेस किया है जिसको मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। तो दोनों में मैं आज आपको डिफरेंस बताऊँगा, एक थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, बट ब्रांड दोनों का ही सेम है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वाला बेटर है, इस प्राइस में मतलब वर्थ है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी आप लोग आई गेस थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि जैकेट्स है कौन कौन से, तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते और बात करते हैं। तो फर्स्ट जो जैकेट है मेरे पास, एक्चुअली इसके साथ में ना कवर ज़्यादा अच्छा आता नहीं है जैकेट्स के साथ में, तो मैंने ना अपने ब्लेजर्स वाले कवर ही यूज़ किए हैं क्योंकि भाई काफ़ी एक्सपेंसिव जैकेट्स हैं तो ख़राब ना हो जाए इसीलिए। तो जो फर्स्ट मेरी जो जैकेट है जो मैं ऑलरेडी समवेयर अराउंड 7 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ योर DSG बॉम्बर जैकेट। मुझे पर्सनली ये जैकेट बहुत पसंद है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें और प्राइस अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। लाइक जब स्टार्टिंग सेगमेंट की जो प्राइस रहते हैं जैकेट्स के उसमें ही ये जैकेट आ जाती है। तो लेवल टू प्रोटेक्शन मिलता है, सबसे अच्छी चीज़ है। अभी अगर आप इसको परचेज करते हो तो 5,500 रुपये में आपको ये जैकेट मिल जाएगी, और 5,500 रुपये में आप इसको एज अ रेनकोट भी, रेन कवर यूज़ कर सकते हो। जब आप राइड पे हो तो इसको आप पहन सकते हो, और अगर बारिश आई फ़ोन वगैरह अंदर अगर इसमें रखते हो तो भीगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भीगेगा, और पहनने में कंफर्टेबल है। ठंडी जगह पे अगर जाते हो तो काफ़ी हद तक आपको एक विंडशील्ड का काम भी करता है बेस्ट। ये सब चीज़ें अच्छी है इसमें काफ़ी, और गर्मी के टाइम पे, गर्मी में तो खैर सारी राइडिंग जैकेट्स जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ इसमें दी है, एक इधर वेंटिलेशन के लिए है, एक इधर वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और एक बैक साइड में वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। तो 3 वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं इसमें जिससे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवा पास हो जाती है तो इतना गर्म नहीं लगता है। और मेरे हिसाब से लाइक 7 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और रिफ्लेक्टर्स भी पीछे मिलते हैं और हाथ वगैरह पे भी आपके मिलते हैं, तो सही है जैकेट। और मैं जब हर्षिल में था, जो मेरी फर्स्ट ग्रुप राइड थी, उसमें मैं गिरा था ये, और मैंने ये जैकेट पहनी थी, और लिटरली अगर ये जैकेट उस टाइम पे नहीं होती तो मेरा फॉर श्योर मेरा हाथ जो है वो डिसलोकेट हो जाता, शोल्डर सॉरी। तो बट थोड़े से स्क्रैचेस आ गए यहाँ पर, अगर देख पा रहे हो आप तो स्क्रैचेस लग गए हैं थोड़े से, बट हाँ इतना दिखता नहीं है ज़्यादा, मतलब चलेगा, और धोने में भी इजी है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, अगर आप राइड पे हो, बारिश हुई, जैकेट हो गई गीली, तो बहुत जल्दी सूख जाती है, बहुत ही जल्दी सूख जाती है। और अगर आप दूसरी राइडिंग गेयर राइडिंग जैकेट से कंपेयर करोगे, एक बार गीला हुआ तो फिर वो सूखेगा मेरे ख्याल से 3-4 साल में जाके सूखेगा, वो बहुत गीला हो जाता है। तो उस केस में भी ये जैकेट मेरे को काफ़ी सही लगी, 5,500 रुपीज वर्थ है मेरे हिसाब से तो इस जैकेट का। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लेना चाहो तो लेना, बट हाँ कोई लोकल वेंडर से ही लेना, लाइक जो ज़्यादा बड़े ब्रांड के शोरूम्स वगैरह में जाके मत परचेज करना, वहाँ पे आपको बिल्कुल MRP to MRP ही वो लोग सेल करते हैं, तो आप लोगों को बहुत लॉस होगा, तो बिल्कुल वहाँ से मत लेना। तो ये थी हमारी फर्स्ट जैकेट विच इज़ DSG बॉम्बर जैकेट। तो अब हम इसको करते हैं साइज, और अब हम बात करते हैं जो हमारी न्यू जैकेट है उसकी। एक्चुअली ये वाली जैकेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी स्टार्टिंग से ही, और जब मैं DSG बॉम्बर जैकेट लेने गया था तब मैंने सोचा था कि मैं ये जैकेट लूँगा, बट मैं श्योर नहीं था उस टाइम पर कि हाँ ये मैं लूँ, मतलब यूज़ करूँगा आगे, राइड कंटिन्यू करूँगा कि नहीं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सस्ता वाला सा सामान लेते हैं फिर महंगे पे जाएंगे। तो टन टन,
सो ये है DSG रेस प्रो जैकेट। ये जैकेट इतनी भारी है ना, मैं इसको किसी को फेंक के मारूंगा तो कोमा में चला जाएगा। तो बात करते हैं इसकी, जो चेन है इसमें, जो चेन दी गई है एज कम्पेयर टू DSG बॉम्बर जैकेट, चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट की आती है। MRP है 10,990 रुपये। MRP बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बात करते हैं, फिर मैं आपको उस टॉपिक की बात करेंगे। Level 2 के प्रोटेक्शन इसमें भी मिल जाते हैं आपको, और अगर लुक की बात करी जाए इस जैकेट की, तो मेरे हिसाब से तो इस रेंज में कोई दूसरी जैकेट इसको कम्पीट नहीं कर सकती कोई भी। और एक सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे इसकी लगती है ना इस जैकेट की, दैट इज दिस काउल। और सच बताऊँ तो इस काउल की वजह से ही मैंने जैकेट को परचेज किया है। और मतलब जब आप इसको पहनते हो और रोड पे निकलते हो तो पूरा अलग ही लुक रहता है इस जैकेट का, पूरा मतलब हटके एकदम लुक रहता है। और रिफ्लेक्टर्स इसमें भी हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलेगा आपको, हाथ पे रिफ्लेक्टर है, आगे भी रिफ्लेक्टर्स हैं। और ये जो कपड़ा है आगे का, ये भी थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्टर का ही काम करता है। और यहाँ पे आपको शोल्डर प्रोटेक्शन मिलता है और हैंड प्रोटेक्शन, बैक प्रोटेक्शन के लिए आपका काउल है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें कम लगी, लाइक 10,000 रुपये की जैकेट है बट इसमें मुझे चेस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिला है, तो वो चीज़ मुझे कहीं पे खली है इसमें अगर, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई 10,000 की जैकेट है तो चेस्ट प्रोटेक्शन तो होना चाहिए था। और जो क्या बताऊँ और मैं इसके बारे में, बाकी सब चीज़ तो बहुत बढ़िया है। और हाँ, वेंटिलेशन का बहुत बड़ा इशू रहता है इस जैकेट में। वेंटिलेशन के लिए जैसे मैंने DSG में आपको दिखाया कि एयर पास होने के लिए आपको 3 स्पेस दिए गए हैं, वैसा कुछ स्पेस इस जैकेट में नहीं है। सो वेंटिलेशन नहीं है, गर्मी में जान निकल जाएगी इसमें, बहुत गर्म है ये जैकेट, लिटरली बहुत गर्म है ये जैकेट। इसके साथ में एक इनर लाइनर भी मिला है बैग में इसका, और एक इनर लाइनर भी है इसके अंदर, इसी के अंदर मैंने भर के रखा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक हाफ जैकेट जैसा ही है। तो वो है इसके अंदर, और कुछ नहीं मिला इसके साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बैग है, एक इनर लाइनर है और जैकेट है। और जैकेट में अगर मैं कहूँ, अगर मैं बॉम्बर जैकेट में और इसमें कंपेयर करूँगा तो आई विल गो विद बॉम्बर, बस बट यूज़ मैं अब इसको भी करूँगा, लाइक जब बारिश वगैरह में मुझे कहीं राइड करनी होगी देन आई विल गो विद बॉम्बर, और जब मुझे कहीं लॉन्ग राइड्स पे जाना होगा लाइक समवेयर इन द नॉर्थ, तो ये जैकेट मैं प्रेफर करूँगा। और Level 2 का प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन इसके अंदर है सेम प्रोटेक्शन बॉम्बर के अंदर भी है, बट एक एड ऑन वाली चीज़ जो इसमें मिलती है वो है कि हम लोग इसमें इनर लाइनर ऐड कर सकते हैं, जो हमें अलग से मिला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बैग है और ये है इनर लाइनर, इतना भाई अच्छा दिख रहा है नहीं तो ये है इनर लाइनर। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सी जैकेट आपको पसंद आई, बॉम्बर पसंद आई कि रेस प्रो पसंद आई। और मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि प्लीज़ कोई भी बड़े शोरूम से जाके परचेस मत करना, कोई भी बड़े शोरूम से जाके परचेस मत करना ये जैकेट। मैं शॉप का नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर मेरे पे केस वेस हो जाएगा। तो ये वाली जो जैकेट है ये वाली मुझे 10,999 रुपीज़ MRP है, तो मुझे एक जगह पे सेम प्राइस मतलब 11,000 ही बोला गया था कि हाँ 11,000 में ही आपको हम लोग देंगे। और मेरा एक फ्रेंड है करोल बाग में, उसकी शॉप है, मैंने उसे कॉन्टेक्ट किया और उसने मेरे को सेम जैकेट 10,000 में प्रोवाइड कराई, इंक्लूडिंग कुरियर।
सोचिए तो कितना डिफरेंस आ गया प्राइस में। और मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरे फ्रेंड का जो है स्टोर है दैट इज राइडर्स अड्डा, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उससे ही परचेज करता हूँ। तो राइडर्स अड्डा पे आप जाओगे, नितिन भाई बैठते हैं वहाँ पे, मैं डिटेल्स भी दे दूंगा आपको और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप जाके देखना, मिलो और आपको बहुत बेस्ट डील दे देगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि लाइक जो भी चीज़ मुझे खरीदनी होती है बाइक एसेसरीज, मैं नितिन भाई को कॉन्टेक्ट करता हूँ, नितिन भाई मेरे को प्रोवाइड करा देते हैं। मैंने टॉप बॉक्स खरीदा, पूरे मार्केट में 15,000 से कम का कहीं पे नहीं था, मुझे उन्होंने 12,000 में प्रोवाइड करवा दिया। राइडिंग जितने भी मैंने कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन करवाई है मेरी बाइक में, आपका वाइजर से लेके और क्रैश गार्ड से लेके टॉप रैक से जितने भी चीज़ें मैंने खरीदी है सब मैंने नितिन भाई से खरीदी है, और बिलीव नहीं करोगे मुझे काफ़ी कम रेट में मिला है। और भी मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उनसे ही खरीदा, उससे पहले मैं कोई और भी बहुत सारे शॉप के ओनर्स थे उनसे ही लेता था, बट वहाँ पर मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी चीज़ें। बट हाँ अभी मुझे जो है मेरी बॉन्डिंग भी हो गई है बहुत अच्छी, तो वो हमारे ग्रुप राइडिंग ग्रुप का पार्ट भी है, तो एज अ फ्रेंड भी वो काफ़ी अच्छी डील प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब देखते हैं, कल का एक प्लान है एक छोटी सी ट्रिप करने का, छोटी सी राइड करने का, ट्रिप तो नहीं हो पाएगी, तो देखेंगे। अभी उड़ीसा में बहुत बारिश हो रही है, अब मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश उड़ीसा में ही होती है, रोज़ बारिश हो रही है जब से आया हूँ उड़ीसा, तो देखेंगे। अगर बारिश होती है तो फिर बॉम्बर के साथ राइड करेंगे, और अगर बारिश कम होती है या नहीं होती है तो फिर रेस प्रो के साथ जाएंगे। तो कमेंट करके बताओ कौन सी वाली बेस्ट है, बॉम्बर ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको रेस प्रो ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।